अपने माल को डोनेट करके आप लाखों कमा सकते हैं। आपको पता है ना, आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने उस चीज को बाहर ले आते हैं और बाहर ला के क्या करते हैं, फ्लश कर देते हैं, हो जाता है आपका काम। हर रोज आप तो यही कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप लाखों रुपया कमा सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आप शादीशुदा नहीं हो फिर भी आप उस चीज को कर रहे हो, आप हेल्दी हो। कई सारे चीजें होती है, कुछ कंडीशंस होती है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या चीज चाहिए होता है और किस तरीके से आप पैसा भी कमा सकते हो। आप उस चीज को वेस्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो को हर किसी के पास सेंड कर दीजिए प्लीज, क्योंकि इससे क्या होगा, हर किसी को पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। दोस्तों हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर सरहाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप तो हमेशा जड़ा देते हैं अपने इस चीज को, उस पानी को निकाल लेते हैं, लेकिन क्या करना है, उसका काम क्या है, आपको पता है? वो एक जिंदगी दे सकता है दोस्तों। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बेबी नहीं होता है, इसीलिए इस तरीके का चीजें करते हैं, इस साइड में आके इस चीज का सहारा लेते हैं। वो जो डोनेट करते हैं उनको पैसा भी मिलता है दोस्तों, लेकिन कैसे मिलता है आइए बताते हैं। नंबर वन, आपका एज ग्रुप होना चाहिए 18 to 39 के बीच में, तब जाके आपका सही रहेगा। आप उसके लिए नंबर वन पे यही आता है कि हाँ, उसके लिए आप अप्रूव हो पाएंगे शायद, बिकॉज आगे भी कई सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना पड़ेगा। नंबर टू, आपको कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर ये चीज होता है तो आप इस चीज के लिए अप्रूव बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी नहीं हो तो आप इसके लिए अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। आपके डॉक्टर क्या कहेंगे, उसके लिए टेस्ट कराएंगे सबसे पहले। टेस्ट में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप फिट रहेंगे, तभी जाके आगे का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं डॉक्टर। दूसरी बात ये है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप वीक है तो आप इसके लिए मत जाइए, बिकॉज जो वीक होते हैं, जिनका ये पतला होता है, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और हाँ, जो इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं 2 to 3 दिन तक, 1 हफ्ते तक उनको नहीं निकालना है, उनके अंदर वही चीज रहना चाहिए। बिकॉज आगे जाने के बाद, मान लीजिए 3 दिन तक आपने हैंड का यूज नहीं करा है, तो 3 दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद एक इतना बड़ा कंटेनर दिया जाएगा, छोटा सा, इसमें आपको उसमें लेना है, प्रिजर्व करनी है। डॉक्टर उसको प्रिजर्व करेंगे शुक्राणु बैंक में, देन इसके बाद उसको फ्रीज कर देंगे, उसका टेस्ट होगा, होने के बाद अगर वो सक्सेसफुल रहा तो आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। और आप अगर चाहते हैं रेगुलर इस चीज को ना फेंकना चाहते हैं, ना फेंक के आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप हेल्थ का ध्यान देते हैं तो इस चीज के लिए आप अप्रूव जरूर हो सकते हैं। आगे का प्रोसीजर बाद में देखा जाएगा कि आपके डॉक्टर क्या कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें डाइट लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, गंदी चीज़ को नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है। आपने देखा होगा डोनर मूवी दोस्तों, अगर आपने देख लिया है तो आप समझ सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा करेक्टर उनका दिखाया गया है कि वो पैसों के लिए वो काम कर रहे थे दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि इस चीज़ को बर्बाद ना करें, इस चीज़ को किसी का जिंदगी बनाने के लिए काम में लगाए, तो आप भी खुश रहे, हेल्दी रहे, इस चीज को हाथ से बाहर बिल्कुल भी ना करें, हमेशा अंदर ही रखे। और जब डॉक्टर का जरूरत पड़ेगी, जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप जाइए, उसके लिए अलग से फॉर्म होता है, आपको बात करनी पड़ेगी, कंसल्ट लेनी पड़ेगी, इसके बाद आपको सारा प्रोसीजर आपके डॉक्टर करेंगे। तो दोस्तों यही वीडियो था, बहुत ही अच्छी जानकारी है, इस वीडियो को शेयर करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।